ऐसे और भी क्रिकेट इंटरव्यूज के लिए, ऐसे और भी रैपिड फायर राउंड्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज एक छोटा सा बेसिकली मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था यूट्यूब पे, यूट्यूब लाइव 4 बजे। तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े मेरे साथ में। और बेसिकली 5 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, और 5 क्वेश्चंस पूछने के बाद में जो भी जितने भी जो व्यूअर्स है वो देखते हो, अगर वो 5 का 5 सही आंसर देंगे तो आरजे रजनीश की तरफ से उनको एक जर्सी मिलेगा। तो आ जाते हैं आज का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू है आज का अकबर शेख के साथ में, एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन अकबर शेख। आज उनके साथ में इंटरव्यू है, देखते हैं अकबर भाई हमारे साथ में कब जुड़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस, इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा अकबर भाई के बारे में। एक बहुत अच्छे टच के बैट्समैन है, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। बहुत सारे जो प्लेयर्स यहाँ पे आके गए अकबर भाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, अच्छी बैटिंग बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं। अकबर भाई, क्रिकेट ही क्यों चूजते हैं आपने? बहुत सारे आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट ही क्यों? मैंने बचपन से ही क्रिकेट, जब से जब अराउंड 5th-6th स्टैंडर्ड था तब से क्रिकेट खेलना ही मैंने चालू किया है। जब चालू किया था तो फर्स्ट मैंने ओवरम क्रिकेट ही चालू किया था, अंडरम मैंने खेला नहीं था पहले, और मैंने ओवरम से ही स्टार्ट किया था क्रिकेट। और क्रिकेट के अलावा नॉर्मली फुटबॉल ये सब खेला, बट इंटरेस्ट क्रिकेट में ही ज़्यादा था। स्कूल से भी खेलते थे लेदर क्रिकेट, तो क्रिकेट से ही था। फिर क्रिकेट में बहुत कुछ सपोर्ट मिलता गया, फैमिली सपोर्ट, तो हम क्रिकेट में ही, मतलब क्रिकेट ही एक था कि जो खेला है, और वो आज तक खेल ही रहे हैं, आगे भी खेलेंगे। मतलब देखा तो बेसिकली आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है क्रिकेट को लेकर, फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको क्रिकेट को लेकर। जी, सब सपोर्ट करते घर में, मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मी, डैडी, मेरी फियांसे, हम लोग, मतलब वो सब सपोर्ट करते पहले से। तो क्रिकेट को एज अ करियर देखते हैं आप, इधर से एज अ पैशन देखते हैं आप? मैं तो क्रिकेट को एज अ पैशन देखता हूँ, करियर नहीं देखता हूँ, पैशन ही देखता हूँ क्रिकेट को। और पैशन है वो जो चीज, पैशन एक चीज रहती है कि वो लाइफ टाइम रहती है, इंसान का भी वो पैशन छोड़ता नहीं है। अगर वो दिल से खेले, दिल से अगर वो पैशन को फॉलो करेगा तो वो जिंदगी भर वो फॉलो करते रहेगा। जी, बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया आपने। देखिए तो मतलब आपकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल इनिंग कौन सी, जहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया? लाइफ की सबसे अगर मेमोरेबल इनिंग बोले टर्फ क्रिकेट में है, तो मैंने फर्स्ट जब UCP 1 खेला था तो फाइनल में हम हमारा हमारा मैच था राइजिंग रेस था, जिसमें भाविक जो है मेरा दोस्त, वो लोग की टीम थी घाटकोपर के लोग, तो उसमें था कि हम -5 हो गया था, डबल ट्रबल में हमारा -5 हो गया था। फिर उसके बाद से मैंने कमबैक किया, मैंने 2-6, 1-4, ऐसा 2-4, 2-6 ऐसा मार के पूरे टीम पूरा बैकअप हो गया था। फिर हम वो टूर्नामेंट जीते भी थे, और जिसमें मेरे को मैन ऑफ द सीरीज मिला था। जी, तो ये तो होगा मीन्स आपके लाइफ के सबसे मेमोरेबल इनिंग। कोई ऐसी इनिंग है जो मतलब कि हारने का आपका आंख भर गया हो, मीन्स आंख में आंसू आ गए, या फिर क्लोज जाके हार जाते ना, रात भर नींद नहीं आती, ऐसा कोई टूर्नामेंट? हम गोल आउट सेकंड में, जब मैं मुंबई ड्रीम्स में था तो हमारा मैच था सफल चेंबूर से, तो वो हारने के बाद बहुत दुख हुआ था, क्योंकि बहुत लोग को हमसे होप था कि हमारी टीम जीतेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छा फाइट कर रहे थे। बट कहते हैं ना, क्रिकेट हार जीत का गेम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रोज जीते, कभी कभी हारना भी जरूरी होता है कि फिर आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वो आंख, वो जब हारे थे तो मेरा ही नहीं, पूरी टीम का ऐसा हो गया था कि सबकी आंख भर गई थी, क्योंकि बहुत सारे सपोर्टर्स आए थे जो सपोर्ट कर रहे थे, फिर हार गए। तो ठीक है, होता रहता है, क्रिकेट है, सीखने मिलता है, हर हार से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। जी, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं यहाँ पे अकबर हम भाई। हमें जितने भी जो व्यूवर्स हैं सब लोगों को बोलना, कहीं जाओ मत, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे अकबर भाई के साथ में। अकबर भाई रेडी हो आप रैपिड फायर जी राउंड के लिए? जी रेडी है, बोलो। ओके, अगर आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मीरा भाईंदर में से 3 प्लेयर में से 1 प्लेयर अगर आपके टीम में खिलाने का, तो आप किसको खिलाओगे? शाहनवाज खान, यतिराज देवरुखे या ध्रुपद? अगर एक को खिलाने का चांस मिलेगा तो मैं जरूर अपनी टीम में यतिराज को खिलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा यतिराज टीम का देवरुख कैप्टन भी है मुनाफ 11 जी, का। और शानू भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट यतिराज वो बहुत अच्छा है, फ्रेंड भी है और मेरी टीम का है, तो इसीलिए यतिराज। ओके, तो यतिराज देवरुख को आपने टीम में ले लिया। आई बेसिकली मैं आपको 3 नाम बताऊंगा, एक को होल्ड पे डालना, एक को बेंच पे बिठाना, और एक को आपकी टीम में लेना। केसर सोनार, संजू ठाकुर, यश तोलानी। होल्ड पे डालूंगा मैं केसर को, बेंच पे बिठाऊंगा संजू ओके, ठाकुर को, और खिलाऊंगा तोलानी को। यश तोलानी खिलाएंगे। जी ओके, अगर जी ये 3 में से सबसे बेस्ट बॉक्स का प्लेयर कौन है आपके हिसाब से? घनश्याम शिंदे, हर्ष सरवैया या फिर बैनी भाई? सबसे अच्छा, अगर मुझे, अगर मेरा फेवरेट प्लेयर तो पप्पू भाई है, घनश्याम शिंदे, वो घनश्याम ऑलराउंडर है और शिंदे, बहुत अच्छा उनका कैच
एमसीबी बहुत अच्छी लगती है मुझे जी। बॉक्स में। अभी मैं आपको 5 टीम का नाम बताऊंगा, आपको रेट करना, नंबर 1 टीम, नंबर 2 और नंबर 3 टीम आपको रेट करना है। एस्पन सुपरस्टार्स, ऑल मॉन्स्टर्स, मुंबई ड्रीम, मुनाफ 11, खंडारी किंग्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे अगर मैं किसी को नाम दूंगा, अगर टर्फ में अगर ऐसा देखा जाए ऑल ओवर, तो जैसे मुनाफ तो अभी अभी आई है और ऑल मॉन्स्टर का तो एक अच्छा खासा नाम है ही पहले से, तो ऐसा नहीं है कि मैं मुनाफ में खेलता तो मुनाफ का नाम लूंगा, बट पहला नाम लूंगा मैं ऑल मॉन्स्टर्स का, सेकेंड नाम लूंगा मैं मुनाफ 11 का, थर्ड नाम लूंगा मुंबई ड्रीम्स का, और फोर्थ नाम लूंगा मैं इकॉन सुपरस्टार्स का, और फिफ्थ नाम अभी किसका नाम लेगा आपने याद खंडारी नहीं, किंग्स। कंधारी किंग्स फिफ्थ पे, क्योंकि कंधारी ओके किंग्स अभी अभी आई है तो इसीलिए कंधारी किंग्स। जी। अब मैं जो प्लेयर्स का नाम बताऊंगा उनकी एक अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी हमारे व्यूअर्स आपको बताना है। जी शाहनवाज खान की अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी क्या आपके हिसाब से? ऐसे क्रिकेट वाइज या नेचर वाइज दोनों? नेचर वाइज, क्रिकेट वाइज, ओवरऑल आपको बताना है। नेचर वाइज तो बहुत अच्छा बंदा है, क्रिकेट वाइज उनका बैटिंग उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, बॉलिंग भी ऑलराउंडर बेस्ट है वो, बट रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो ओके, भागते मतलब हैं, वो रनिंग उनको भी बिटवीन द पता है। विकेट ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? जी जी बेस है ओके वो। ओके। यतिराज देवरुखी की अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी क्या है, जैसे आपने बताया वो आपके कैप्टन। जी उसकी अच्छी क्वालिटी तो ये है कि कोई भी बॉलर है ना रहने दो, वो बहुत रीडेबल बंदा है, वो खेलता है, बट कैसा है कि उसको बोलेंगे तो वो रुकता नहीं है, वो फ्लो में ही खेलता रहता है, बट जहाँ उसको टीम बोलती है कि थोड़ा वेट कर, बट नहीं, वो अपना ही नेचुरल खेलता है, तो उसको वही चीज बोलूंगा कि जैसे हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तो उसको बोलते ही खेलने के टाइम पे, बट अगर वो देख रहा रहेगा तो वो, मैं उसको ये बोलूंगा कि थोड़ा गेम को लेके पेशेंस चलेगा रखो। तो ज्यादा अच्छा, हाँ पेशेंस लेके चलेगा तो बहुत अच्छा प्लेयर है। एग्जैक्टली। यश तोलानी की अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी क्या आपके हिसाब से? यश तुलानी की बुरी क्वालिटी तो है नहीं, बट हाँ उसको एक सजेशन रहेगा फील्डिंग के लिए, बस वो थोड़ा फिटनेस थोड़ा और है, तो वो थोड़ा क्विक हो जाना चाहिए बस, रेदर देन उसका बैटिंग, तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसकी बैटिंग का। आगे बढ़ते, बेसिकली ये राउंड में आपको हायर या फायर करना है, एक को हायर करना आपके टीम में और एक को फायर करना आपको, ठीक है? दो प्लेयर का मैं आपको नाम लूंगा, पार्थ सूर्य या केसर सोना, किसको हायर करेंगे किसको फायर करेंगे आप? पार्थ बेसिकली अभी इतना टर्फ खेला नहीं है तो उसको मैं हायर करूंगा, नहीं फायर कर देता हूँ उसको, फायर केसर करेंगे, हायर केसर करूंगा। हायर, पार्थ फायर। ओके, राहुल सुरवड़े या घनश्याम शिंदे? लेबो राहुल सुरवड़े। पप्पू भाई को फायर करता हूँ और लैबो को हायर करता ओके, लेबो हायर, पप्पू भाई फायर। ऑल हूँ। मॉन्स्टर्स या मुंबई ड्रीम्स? ऑल मॉन्स्टर या मुंबई ड्रीम तो ऑल मॉन्स्टर फायर करता हूँ और मुंबई ड्रीम फायर करता ओके, सुरेश सरोज कूड़ा या दानिश फारूक? हूँ। कूड़ा हायर करूंगा, दानिश फारूकी फायर। ओके, ये 3 प्लेयर में सबसे मोस्ट लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है? यश मालवनका, जैनब शाह या फिर अभिषेक मंडलिया? मोस्ट लॉयल प्लेयर का टैग देना। अगर लॉयल प्लेयर में बोला जाऊं, और ये तीनों नाम अभी क्योंकि एक्चुअली ये तीनों न्यू है, बट जहां तक मैं एमर्जिंग देखूं टैलेंट है ये। हाँ एमर्जिंग है और न्यू है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, एक्सट्रीम टैलेंट है, मेरा जैनम बहुत फेवरेट है, और मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ अगर वो टीम जैसे वो टर्फ एडिक के लिए खेलता है, अभी मेरे को ऐसा लगता है वो लॉयल बंदा रहेगा खेलने में क्रिकेट। ओके, मतलब जैनम शाह आपके हिसाब से मोस्ट लॉयल प्लेयर है 3 में से। ओके, ये 3 में से सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है आपके हिसाब से? रोहन सालुंके, रोहन नाइक बाबा या फिर अकबर शेख, आपका खुद का नाम, सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है 3 में से? ऐसा तो मैं फिर अगर ऐसा रहेगा तो मेरे हिसाब से तो फिर मैं मेरा खुद का नाम ही लूंगा। ओके, अकबर शेख बेस्ट बैट्समैन। ओके, अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए और आप स्ट्राइक पे हो तो ये 3 बॉलर में से कौन सा बॉलर आपको मारने नहीं देगा, मारने नहीं देगा आपको? ओके, जी जतिराज देवरुखिया, भाविक जोशी या अजीम सिंह? अगर मुझे अगर कोई मारने नहीं देगा तो वो है आजम भाई, आजम भाई लेफ्ट लेफ्ट आर्म, आजम भाई आजम सिंह। आजम। ओके, बाकी ये 2 बॉलर को मतलब आप मार दोगे, जतिराज देवरुखिया और भाविक जोशी को आप मार दोगे एक बॉल पे 6 रन मार भी से? सकते ऐसा तो देखो जिस दिन दिन रहेगा तो वो तो कोई भी बॉलर आओ, अगर एक बॉल से है मारना है ऊपर वाला है कि जीतना है, तो वो तो कोई भी बॉलर को मार देगा इंसान, बट नहीं रहता तो क्या है, एग्जैक्टली कोई नॉर्मल बॉलर को भी नहीं लगता है, तो वो ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली मे भी मेरा गलत हो, बट मेरा वो था कि ज्यादा प्रेफरेबल आजम भाई। आजम। ओके, आगे बढ़ते, बेसिकली
ये राउंड में आपको एक सजेशन देना है ये प्लेयर को, शिवम शुक्ला को क्या सजेशन देना चाहिए, एमर्जिंग प्लेयर शिवम शुक्ला। शिवम को यही सजेशन दूंगा कि उसका गेम बहुत अच्छा है, बॉटम एंड का प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, एक्सट्रीम टैलेंट है, बट वो रनिंग, वो भी उसका भी वही एक है कि कमजोरी के वो भागता बहुत स्लो है, भागता और ओके फील्डिंग में बहुत मतलब लेजी है, तो उसमें थोड़ा अगर वो ध्यान देगा तो ज्यादा अच्छा कर पाएगा, और टर्फ में क्विक प्लेयर ही चाहिए रहता है बेसिकली, ऐसा देखा जाए। एग्जैक्टली, नो डाउट नो डाउट। कौशल मोदी को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? कौशल मोदी को एक ही सजेशन दे जाऊंगा कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, प्लस वो एक्सट्रीम टैलेंट है बॉलिंग में, वो हमारी टीम में मुनाफा बेस्ट बॉलर है, डबल ट्रबल वही डालता है, बट है कि वो कभी कभी प्रेशर हो जाता है ना, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, तो उसको वही बोलूंगा कि जो कॉन्फिडेंस टीम तुमको देती है, अगर तुम लो डाउन भी हो तो उसको एक बूस्टर समझ के अपने आप को बूस्टअप करके बॉलिंग डालो, बिंदास डालो, जब टीम सपोर्ट कर रही तो फिर किसी से क्या डरना, कोई भी रहे सामने। एग्जैक्टली, जब टीम सपोर्ट करते हो किसी से क्या डरना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर था। और राहिल कारिया का कारिया को आप क्या सजेशन देना चाहिए? राहिल भाई को तो सजेशन यही दूंगा कि राहिल भाई आप ज्यादा क्रिकेट खेलो, क्योंकि वो बहुत कम दिखते हैं, सिर्फ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में दिखते हैं, ज्यादा क्रिकेट में दिखते नहीं, बाकी वो बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, बॉलिंग भी डालते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बट यही है कि वो ज्यादा मेरे ख्याल से तो वो इतना टच में नहीं है क्रिकेट में, मैं उनसे खाली एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खेलो, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ओवरम भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ओके वही एक अभी सजेशन है। एग्जैक्टली, अभी आगे बढ़ते हैं राउंड को लेकर। बेसिकली ये राउंड में आपको एक क्वालिटी अपने अंदर लेनी है प्लेयर की, ठीक है? प्लेयर का मैं नाम बताऊंगा, सबसे पहले जिमी भाई के अंदर से क्या क्वालिटी लेना चाहूंगा? जिम्मी भाई के अंदर से तो क्वालिटी है कि उनकी एक बॉलिंग की है कि वो बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं, मुझे थोड़ा उनका एक्शन भी बहुत अच्छा है, प्लस वो बहुत अच्छे बंदे, बहुत मतलब जो है मुंह पे रखते हैं, मतलब पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है, वो एक क्वालिटी अच्छा है, वो तो मुझ में भी है, बट मैं उनसे एक क्वालिटी ये लेना चाहूंगा कि एक वो टाइम के परफेक्ट है, वो टाइम पे आ जाते हैं, एक वो है बहुत अच्छा पंचुअल, है, मतलब पंचुअलिटी लेना चाहेंगे पंचुअल है, अपने अंदर। ओके पंचुअलिटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत लेट पहुंचता हूँ ऐसा है, तो मुझे भी वो पंचुअल होना है उनकी तरह कि टाइम पे आना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे हायर ऑफ हायर में आपने राहुल सुरवड़े को हायर किया था, तो राहुल सुरवड़े के अंदर से क्या क्वालिटी लेना चाहेंगे लेबो के अंदर से आप? लैबो के अंदर से मैं ये क्वालिटी लेना चाहूंगा कि वो जितना कूल काम क्रिकेटर है, ऐसा मैं नहीं हूँ जो कि मैं बहुत अग्रेसिव खेलता हूँ, मैं बहुत गुस्से में खेलता हूँ, या फिर मेरा होता है एक हिट ऑफ द मोमेंट इंसान थोड़ा हो जाता है, बट वो बंदा ऐसा है कि उसको कितना भी स्लेज करो तो उसको बुरा नहीं लगता है, वो हर एक सिचुएशन में उसकी स्माइल है ना जो, वो बहुत इफेक्टिव रहती है, सामने वाले भी उसको छेड़ छेड़ के थक जाएगा, बट वो ऐसा नहीं है कि वो कभी डिप्रेशन में आता है और ना कभी स्ट्रेस लेता है, बस वो इंजॉय करता है क्रिकेट, तो मुझे भी वो सीखना है क्योंकि मेरा टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है, तो मुझे भी उसकी तरह एक कामनेस ला के क्रिकेट खेलना। शाहनवाज खान के अंदर से क्या क्वालिटी लेना चाहेंगे आप? शानू भाई के अंदर से तो यही क्वालिटी लेना चाहूंगा कि शानू भाई से थोड़ा वही बॉलिंग का, थोड़ा बॉलिंग सीख लूँ उनसे, बस सिखा दे तो अगर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग क्वालिटी, ओके। हर्ष सरवैया के अंदर से क्या क्वालिटी लेना चाहेंगे आप? हर्ष हर्ष की बात करूँ तो वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसके अंदर, वो जो उसका क्रिकेट है, और मैं ही नहीं बाकी मेरे ख्याल से जितने भी मेरे अगर व्यूवर्स हैं यहाँ पर, जो क्रिकेट हमारे जो फ्रेंड्स हैं अगर वो उसको फॉलो करते हैं या उसको देखते हैं, तो सब उसको यही बोलते हैं कि उसका एक बॉटम एंड है, और वो जो मतलब उसमें एक वो है कि मतलब वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट उसका बहुत क्लियर रहता है, और वो डरता नहीं है, मतलब बिना डरे ओके खेलता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंट जो वैसा है वो मुझे चाहिए, जबकि क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट कभी कभी मैं ऐसा अपने आप को थोड़ा वो डिमोटिवेट कर देता हूँ, बट वो बंदा हर सिचुएशन में चाहे वो 6 बॉल पे 30 रन क्यों ना रहने दो, वो ऐसा रहता है कि मैं मार सकता हूँ, उसका ऐसा रहता है, तो मुझे उसके थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंट चाहिए उससे। ओके एग्जैक्टली। जाते जाते अकबर जी, ये पेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो आपके बारे में यही बोलना चाहूंगा जो कि सब बोल रहे हैं, पप्पू भाई ने भी आपको बहुत अच्छा वो दिया कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, और जो आप मेरे ख्याल से आप फर्स्ट हो जो मतलब किसी से भी सबसे इंटरव्यू ले रहे हो, नॉट ओनली बेसिकली के टर्फ हो या ओवरम वाले प्लेयर हो या फिर टर्फ क्रिकेट हो, आप सबको एक इक्वल लाइन में रख के आप अपना कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि आपके चैनल को जितना से जितना सपोर्ट हो सकते हैं वो मैं करूँ, और वो आपको भी वो ब्लेसिंग मिले, और आप ऐसे ही काम करते रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो ग्राउंड जैसा जिसको लोग जानते नहीं आप उसको ऐसा डिस्प्ले में ला रहे हो, और जो कि बहुत अच्छी बात है, और जो हमारे टर्फ में ज्यादा वो होता है क्योंकि जो दिखेगा वही खेलेगा, तो ऐसा है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली यार, थैंक यू सो मच अकबर जी हमारे साथ में जुड़े, और जितने भी जो व्यूवर्स हैं मुझे देख रहे हैं, एक छोटा सा मैंने कॉन्टेस्ट रखा था आज जहाँ पे मैं लाइव आया था 4 बजे,
और बेसिकली मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा प्ले आईपीएल विद आरजे रजनीश, तो वहां पे मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ और 5 का 5 जिसने सही आंसर दिया उसको आरजे रजनीश की तरफ से जर्सी मिलेगा। तो वो ऑलरेडी मेरे अपना जो वीडियोस मैंने अभी अपलोड कर दिया हुआ, तो वो 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी आप लोग जाके देख सकते हो। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड है हमारे जो कोलकाता के जो ओनर है उनकी तरफ से ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, तो उनका भी नाम नीचे आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। और ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो। जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जिसने फॉलो नहीं किया है चैनल, तो प्लीज फॉलो कर दो। अकबर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? गाइज जो भी देख रहा है वीडियो, प्लीज ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है इनको सपोर्ट करे। और जो भी स्पॉन्सर्स है आपको या हमको जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, जो वीडियो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कि हम टीवी में देखते थे कि लोगों का इंटरव्यू होता है, आज हमारे साथ भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा इंटरव्यू लेता है। और सेंटाक्रूज में शायद से मैं एक फर्स्ट हूँ जिसका भी इंटरव्यू हुआ है। थैंक यू जी आपको भी जिसने आपने जो आपने मुझे चूज किया, और मेरे जो फ्रेंड्स है यश तुलानी, शाहनवाज खान, जिन्होंने उस दिन आपको बोला कि आप लो इनका इंटरव्यू। तो केसर सोनार का थैंक नाम आप भूल गए, केसर सोनार का नाम आप भूल गए। यू सबसे केसर। बड़ा रिकमेंडेशन किसका? सोनार का ही था। हाँ वो ऐसा है, मुनाफ में खेलते तो एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग है सबके साथ, सब भाई जैसे रहते हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी है हमारी। हम कोई दूसरी टीम की तरह हम लोग मतलब क्या कोई कुछ भी बोले हम टूटते नहीं है, ऐसा एक क्वालिटी है माशाल्लाह, जो अच्छी बात है और रहनी भी चाहिए हमारी मुनाफ इलेवन में। और मैं अपने सब जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी मुझे इतना सपोर्ट किया, जो मेरे बारे में इतना सजेशन दे रहे हैं, उनको बोलूंगा थैंक यू भाई। और मैं भी जहाँ तक हो सके मैं भी उनको उतना ही सपोर्ट करूंगा अगर जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी उनको। एग्जैक्टली और बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, बहुत ही जल्दी भी रैपिड फायर का आंसर दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन अकबर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहो, जिस दिन आप और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले और वापस यहाँ पे आके इंटरव्यू। थैंक जी यू सो आपकी मच दुआ वंस अगेन। रहेगी तो जरूर खेलेंगे। श्योर श्योर श्योर। बाय बाय।